नमस्कार दोस्तों, इट्स फोर स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 के पांचवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की 80 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए थे। इसके जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना सकी। यूएई में मुंबई की यह पहली जीत है। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दूसरे ही ओवर में 1 रन बनाकर चलते बने। डिकॉक को तेज गेंदबाज शिवम मावी ने अपना शिकार बनाया। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव और रोहित ने दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की। रोहित ने अपने अर्धशतकीय पारी में 3 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं सूर्य कुमार ने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। आईपीएल 2020 में रोहित का यह पहला अर्धशतक है। इसके साथ ही रोहित ने आईपीएल में अपने 200 छक्के भी पूरे कर लिए। वहीं रोहित अब आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इन दोनों के अलावा सौरभ तिवारी ने 13 गेंदों में 21 और हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए। वहीं मुंबई के लिए 150वां मैच खेल रहे किरण पोलार्ड 7 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं कोलकाता के लिए पैट कमिंस काफ़ी महंगे साबित हुए। कमिंस ने 3 ओवर में 49 रन दिए। सुनील नारेन और युवा शिवम मावी ने कमाल की गेंदबाजी की। नारेन ने अपने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं मावी ने अपने कोटे के 4 ओवर में 1 मैडन के साथ 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। मुंबई से मिले 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही। कोलकाता ने 4.5 ओवर में 25 रनों के स्कोर पर अपने 2 सलामी बल्लेबाज खो दिए। शुभमन गिल 11 गेंदों में 7 और सुनील नारेन 10 गेंदों में 9 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसके बाद दिनेश कार्तिक और नीतीश राणा ने तीसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की, लेकिन मुंबई की घातक गेंदबाजी के आगे ये दोनों बल्लेबाज भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। कोलकाता को इस मैच में यून मॉर्गन और आंद्रे रसल से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इन दोनों ने भी टीम को निराश किया। मॉर्गन ने जहां 20 गेंदों में 16 रन बनाए, वहीं रसेल 11 गेंदों में 11 रन बनाकर चलते बने। अंत में पैट कमिंस ने 13 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी जरूर खेली, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अबू धाबी के मैदान में मुंबई की गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। जेम्स पैटिसन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं बोल्ट ने 4 ओवर में 1 मैडन के साथ 30 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके साथ ही बुमराह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 और राहुल चहर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।